Afternoon students. Students, today we will be discussing our first poem of class 11 titled as Photograph. The writer of the poem is Charlotte Olson. And Charlotte Olson in this poem portrays a daughter's nostalgic recollection of her mother's memories. एक माँ के प्रति एक बेटी का प्यार और रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज एंड एट द सेम टाइम अ लैमेंट ओवर द एब्सेंस ऑफ हर मदर इन द प्रेजेंट टाइम. ये सब कवर हो कि एक डॉटर किस तरह से रिकलेक्ट करती है और पोर्ट्रे करती है मदर की उन मेमोरीज को और कैसे लैमेंट करती है उसके ऊपर, उस मदर की एब्सेंस को कैसे लैमेंट करती है प्रेजेंट टाइम में. एज इट इज टाइटल्ड एज फोटोग्राफ, सो द ऑथर शी लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, जो एक टाइम पे एक चेरिश्ड ऑब्जेक्ट था उसकी माँ के लिए, क्योंकि उसकी माँ जब उसे देखा करती थी, हंसा करती थी, कमेंट करती थी उस फोटोग्राफ में, एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ जॉयस मोमेंट फॉर हर. बट इन प्रेजेंट टाइम इट डजेंट एग्जिस्ट, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट बिकॉज हर मदर इज नो मोर. देन द पोइट स्टार्ट्स कंपेयरिंग ह्यूमन लाइफ विद द सी, विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, और ये बताया कि इनमें क्या चेंजेस आती हैं विद द पैसेज दैट द सी डजेंट चेंज मच, लेकिन मगर वो अब नहीं रही. ठीक है, सो फोटोग्राफ जो है इट इज फ्रेम्ड ऑन अ कार्डबोर्ड और ये एक ओल्ड फोटोग्राफ व्हेन शी वाज यंग एंड व्हेन शी हैड गॉन पैडलिंग अलॉन्ग विद हर कजिन्स, और एज भी बताई हुई है, शी वॉज अराउंड 12-13 साल की, एंड द एल्डर वन अमंग द टू कजिन गर्ल्स देयर. ठीक है, जितने भी वहाँ पे लोग थे उनमें से सबसे बड़ी यही थी पोइट की माँ. एंड ईच ऑफ द टू यंगर सिबलिंग्स दे आर होल्डिंग हर हैंड, दे आर पोजिंग टूवर्ड्स द कैमरा टूवर्ड्स अंकल टेकिंग द फोटोग्राफ. सो यहाँ पे एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको मिलती है हाउ द मदर्स फेस लुक्ड, हाउ ब्यूटिफुल शी वाज इन हर टीन, इन हर यूथ, एंड देयर हेयर वर रफल्ड. तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी, इनोसेंस के साथ साथ जो है एम्फसाइज किया गया है एक एरा जो जिसमें उसकी माँ जो थी शी वाज द हैप्पीएस्ट वन अमंग ऑल, बिकॉज शी वाज फुली एंजॉयिंग द डेज ऑफ हर चाइल्डहुड. जब उन्हें क्या दिया गया था, व्हेन दे वर गिवन द कॉस्ट्यूम्स फॉर द बीच. So let's have a look at the lines now. The first stanza starts as, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. अब कार्डबोर्ड किसे रेफर करता है, उस फोटोग्राफ को. कार्डबोर्ड के ऊपर ही वो फोटोग्राफ लगा हुआ. So the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. दो girl cousins हैं साथ में. And what they are doing, they are paddling. जैसे बोट को मूव करते हैं ना पैडल करके किसी वाटर बॉडी में, बिल्कुल वैसे ही दे आर इन द लुकिंग इन द फोटोग्राफ एज इफ दे आर पैडलिंग द बोट. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और जो दोनों कजिन्स हैं साथ में, किसकी, शार्लेट ओल्सन की मदर के जो कजिन्स हैं दोनों साथ में, दे आर होल्डिंग हैंड ऑन आइदर साइड,
एक तरफ से एक कज़िन, एक तरफ से दूसरी कज़िन, होल्डिंग द हैंड ऑफ हर मदर एंड शी द बिग गर्ल। अब देखो यहाँ पे बिग यूज़ हुआ है किसके लिए, मदर के लिए, ठीक है, पोइट की मदर के लिए। एंड शी द बिग गर्ल द एल्डर वन, बिग मतलब द एल्डर वन, एल्डर अमंग दीज थ्री। शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, अब थोड़ा सा एज भी बताया हुआ, 12-13 साल की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, दे आर स्टिल, दे आर पोजिंग टूवर्ड्स द अंकल होल्डिंग द कैमरा टू टेक देयर पिक्चर। सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एज द हेयर आर स्टक स्कैटर्ड ओवर द फेस। कैसा होता है जब आप किसी दरिया के किनारे जाओ किस बीच पे, ठीक है, विंड्स ब्लो करती हैं, रफल्ड हो जाता है सारा, आपके बाल जो है वो बिखर जाते हैं। सो दे आर पोजिंग टूवर्ड्स द कैमरा विद देयर हेयर ओवर द फेस एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट आई वॉज बॉर्न वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन, ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिया, लुक हाउ मच नॉस्टैल्जिक शी इज़ अबाउट द पास्ट, दैट हाउ शी इज़ रिमेंबरिंग हर मदर सेइंग दैट शी वॉज ब्यूटिफुल बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब उसकी माँ छोटी थी, जब अभी शर्ले टॉयल्सन पैदा नहीं हुए थे, यानी कि बिफोर द मैरिज ऑफ हर मदर व्हेन शी वॉज इन हर यूथ इन हर टीन। सो कैसी थी मदर, शी वॉज ब्यूटिफुल, अ स्वीट फेस हर मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। मदर भी कैसी, फेस भी कैसा था, स्वीट। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बेटा डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट यूज होगा, ठीक है, अब पैरेललिज्म डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट यूज होगा, इट विल शो अ कंट्रास्ट बिटवीन द टू, कैसे, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, द कंट्रास्ट बिटवीन टोपोग्राफी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड द मॉर्टल नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिकॉज द सी द टोपोग्राफी द नेचर बींग शॉन इन द फोटोग्राफ, जो वहाँ पर पोर्ट्रे हुआ उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आई, सेम टू हैव चेंज वेरी लेस, लेकिन वक्त के साथ साथ देखिए मदर इज नो मोर, माँ नहीं रही, ठीक है। द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फेड्स, अब वो सी जो ज़्यादा बदला नहीं है, बाकी सब कुछ बदल गया है, मदर जो है वो नहीं रही, शी इज़ नो मोर एंड द टाइम हैज़ पास्ड बिकॉज हर चाइल्डहुड चेंज्ड इनटू हर यूथ देन आफ्टर द ओल्ड एज एंड शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, बट इन द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ द सी विच इज़ अपेयरिंग देयर इट हैज़न्ट चेंज्ड मच, उसमें बदलाव नहीं आया। तो वर्ल्ड ट्रांजिएंट यूज़ हुआ है ना फीट के लिए, इसके दो मीनिंग्स हैं, वन इज़ मूविंग चेंजिंग एंड अदर इज़ द मॉर्टल नेचर ऑफ द ह्यूमन, कि इंसान जो है वो हमेशा रहने वाली चीज़ है, ठीक है, इट इज़ अबाउट द मॉर्टेलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और वो जो सी था उसका जो पानी था वो क्या करता था, द वाटर ऑफ द सी इट वॉश्ड देयर मूविंग फीट्स, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लॉफ एट द स्नैपशॉट। अब 20-30 साल गुजर जाने के बाद आफ्टर 20 or 30 ईयर्स, यानी कि जब उसकी माँ अभी ज़िंदा थी तब का फिर से वक्त बताया हुआ, व्हेन हर मदर वॉज अलाइव आफ्टर 20-30 ईयर्स, जब शार्लेट ऑल्सन की माँ देखा करती थी कभी उस फोटोग्राफ को, शी वुड लॉफ एट द स्नैपशॉट, और वो क्या करती थी, वो उसको देख के हंसा करती थी, बिकॉज नो वन बिलीव्स दैट वी वर वंस किड्स, हम कभी यकीन नहीं करते इसकी कि हम कभी छोटे थे, वाइल देखें मेरा अगर बचपन का कहीं फोटोग्राफ निकलता है
आज मैं उस फोटोग्राफ को देखता हूँ, इट्स हार्ड फॉर माई आइज़ टू बिलीव, ठीक है, कि हम कभी ऐसे थे, छोटे थे, इतने छोटे थे। सो वो भी ऐसा करती थी। व्हेन आफ्टर 20-30 ईयर्स व्हेन शी गॉट मैरिड वाज अलोंग विद हर किड्स, बैटी और डॉली उनके बच्चे हैं, डॉटर्स, तो वो क्या कहती थी अपनी बेटियों को, सी बैटी एंड डॉली, सी हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, ठीक है। सेम सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लॉफ एट द स्नैपशॉट, 20-30 साल बाद उस फोटोग्राफ को देख के माँ हंसा करती थी और कहती थी देखो बच्चों हमें कैसे कपड़े दिया करते थे, हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, द सीट हॉलीडे वॉज अर पास्ट एंड माइन इज अर लॉफ्टर, आपको बीच तक करवाया था, यहीं तक हम मार्क करेंगे आज भी इसे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।